नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मामला गंगा घाट कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित की जमीन पर गिरजा शंकर मिश्रा, गणेश मिश्रा, मुमताज महीवाल कर रहे हैं जबरन कब्जा। पीड़ित ने जिलाधिकारी उन्नाव से लगाई न्याय की गुहार। डीएम ने दिया आश्वासन, जल्द से जल्द होगी भूमाफियाओं के ऊपर कार्यवाही। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला है आपका भैया? मेरा मामला ये है कि मैंने एक रामेश्वरी चौरसिया, मेरे बहुत पारिवारिक हैं ये, और इनकी ज़मीन जो है यहाँ पे थी 2009 में इन्होंने ले रखी थी, और मैंने इनसे एग्रीमेंट कराया, इनकी ज़मीन मैंने ले ली क्योंकि ये बीघापुर रहने वाले हैं। इन्होंने कहा मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं अपनी ज़मीन आप ले लीजिए, यहाँ रहते हैं लोकल में, तो मैंने इनकी ज़मीन ली। इस पर जो है ऑलरेडी मैं कब ज़मीन काम करने जाता हूँ तो वहाँ पर ऑलरेडी गिरजा शंकर मिश्रा और ये गणेश शंकर मिश्रा, पवन शुक्ला, मुमताज उर्फ महिवाल, ये लोग जब मैं निर्वाण करना जाता हूँ तो ये लोग उस पर आकर के अपना जो है कब्जा दिखाते हैं। मैंने एक दो बार शिकायत भी की, करने के बाद पश्चात भी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मैं जब भी जाता हूँ तो वो लाठी डंडा गाली गलौज कट्टा बंदूक सब लेकर के आ जाते हैं मारने के लिए कि मैं मार दूँगा, बट मैं कब्जा नहीं करने दूँगा, ये ज़मीन मेरी है, जो कि लेखपाल के द्वारा कानून गो के द्वारा 368 नंबर मेरा है, जो कि वो सर्वे में मेरा पाया गया है। इसके बावजूद भी वो कानून को ताक पर रख कर के अपना कार्य करते हैं, मुझको कब्जा लेने में असमर्थता करते हैं ये लोग। आपने इसकी शिकायत करी आला अधिकारियों से? करी मैंने, इसकी चौकी इंचार्ज हैं, एसओ साहब हैं, ऊपर एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, मैंने सबके पास शिकायत पत्र डाल रखा है। क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया गया है कि मुझे जो कानून गो और लेखपाल द्वारा सर्वे द्वारा की गई है, तो उन्होंने बोला जाके कि अपना निर्माण कराइए आप। मैं आज भी निर्माण कराने के लिए जब गया वहाँ पर, तो ये लोग कम से कम 40 लोग वहाँ पर लाठी डंडा कट्टा बंदूक सहित वहाँ पर आ धमके, और निर्माण करने से मुझे रोका गया।